पठानकोट की रणजीत सागर डैम की झील विच पुणे कोलारा ते पलंगी दोनों टापुआं ते पंजाब सरकार एक ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करन वाली है, जिस दे लई पठानकोट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नूं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट दे वलों मंजूरी दी जा चुकी है। हुण पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड इस प्रोजेक्ट लई ग्लोबल टेंडर लगाएगी, जिस तों बाद इन्हां दोनों टापुआं ते रिजॉर्ट अते होटल बनाए जाणगे अते इन्हां दोनों टापुआं नूं टूरिज्म दे लई विकसित कीता जाएगा। पठानकोट विच विकसित होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पठानकोट ने भी काफी मेहनत की है। दस दिए कि इसकी शुरुआत पिछली अकाली भाजपा सरकार के समय दौरान भी की गई सी, पर कुछ कारण करके ये प्रोजेक्ट अध विचकार ही लटक गया सी। पर हुण फिर तो इस नूं हरी झंडी दी गई है, जिसकी जानकारी खुद BFO ने दी है। उत्थे इलाके के लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट नूं रोजगार का वधिया साधन दस्या। जिहड़े साडे DFO साहब ने उन्हां दी मेहनत नाल जिहड़ी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सानूं जिहड़ा नोट देता है कि असी इन डेवलप कर सकते हैं एज ए इको हॉटस्पॉट, जिहड़ी कि बहुत वड्डी अचीवमेंट है साडी सरकार लई। और यह प्रोजेक्ट आने नाल हुण जिहड़ा साडा पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है वह इहदा ग्लोबल टेंडर फ्लोट करेगा, उस तो बाद इन्हां नूं जिहड़े अपने टापू हैगे ने जिहड़े आइलैंड ये डेवलप होणगे। तो मैं समझदा कि साडे सुजानपुर हल्के लई खास विशेष तौर पर धार ब्लॉक लई जिहड़ा कि एक पिछड़े हुआ इलाका उहदे लई बहुत वड्डा बूस्ट होएगा, लोकल्स लई इंप्लॉयमेंट जनरेट होएगी। इंप्लॉयमेंट के नाल नाल जदों इस लैवल का वड्डा प्रोजेक्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा उत्थे, और उत्थे जिहड़ी कनेक्टिविटी है मैं समझदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दी। देखिए एक प्रोजेक्ट है जो PIDB ने यूजर एजेंसी है और उन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। बेसिकली वो कुलारा और पलंगी आइलैंड में 30.25 हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट एरिया जो डाइवर्ट होना है और वहाँ पे बेसिकली इको टूरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे बनाने हैं, इको रिसोर्ट्स बनाने हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ब्रिजेस हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इन दोनों आइलैंड्स पे ही उनको डेवलप करना है। तो इस केस में हमने काफ़ी 2 साल पहले भी प्रोजेक्ट हुआ था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एरिया था तो इसलिए मटेरियलाइज नहीं हो पाया। फिर हमने छोटा प्रोजेक्ट करके 30.25 का यूज एजेंसी ने किया, उसके बेसिस पे हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस का अप्लाई करवाया था यूज एजेंसी से और उसका इन प्रिंसिपल स्टेज 1 अप्रूवल अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पास आया है और हमने यूज एजेंसी को अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अभी कब तक ये शुरू हो पाएगा, वहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट में आएंगी? देखिए ये सारे बारे में PIDB के उस उनका अधिकार क्षेत्र है, हमने उनको भेजा है कि आप एक्चुअली पैसे जमा करा लीजिए और ताकि फाइनल अप्रूवल आ जाए, उसके बाद वो काम कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेज 1 के बाद वो टेंडर का प्रोसेस अभी कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया इको रिसॉर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों का मतलब डेवलपमेंट का है जिसमें ग्लोबल टेंडर होना है। पठानकोट तो धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, ट्रू स्कूप।